बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस वीडियो में हम कैनेडियन प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्निकल एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन द फिगर सॉल्व द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर वोल्टेज हमने मालूम करना है, लेकिन आगे कंडीशन इसने लगा दिया है दैट बाई सुपर पोजिशन थियोरम। तो आई होप आपको याद है कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। एक सोर्स को एट ए टाइम हम लेते हैं, तो हम या तो इसको पहले ले लें, इसको बाद में लें, या जिसको भी आपका दिल चाहे पहले ले लें, दूसरे को हमने ज़ीरो करना होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए। तो आइए हम चलते हैं। अच्छा, अब ये वोल्टेज हमने मालूम करना है, तो एक सोर्स की वजह से फर्क करिए हमारा सोर्स नंबर वन है, इसकी वजह से जो यहाँ पर वोल्टेज होगा उसको हम कहेंगे वी वन, और दूसरे सोर्स की वजह से जो यहाँ पे वोल्टेज होगा उसको हम कहेंगे V2। तो टोटल वोल्टेज V0 या V0t होगा सम ऑफ द टू, V1 प्लस V2। अब आपको पता है कि हम अगर इस सर्किट को फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर लें तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले तो हम एक सोर्स को ख़त्म करें। कंसीडरिंग सोर्स नंबर वन, लेफ्ट सोर्स। तो अब इस सोर्स को हमने रहने दिया और इसको ज़ीरो कर दिया, तो वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो करने के लिए तो शॉर्ट कर दिया जाता है, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फेजर में। फेजर डोमेन में सबसे पहले इसको आप कंपेयर कर लें, अगर ये इनपुट है उसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आई एम कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से आपको ओमेगा नज़र आएगा कि 20 के बराबर है, तो ओमेगा हो गया 20 रेडियंस, इसको हमने नोट कर लिया। और ये भी आपको पता होगा कि इंडक्टर कैपेसिटर को हम फेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंडक्टर के लिए जे ओमेगा लगा लेते हैं, तब जे ओमेगा हमारा 20 हो गया और इंडक्टर की वैल्यू 2 हेनरी है, तो इंडक्टर की जगह पे हम लिखेंगे जे 40। और इसी तरह कैपेसिटर के लिए 1/j ωc, वही टेक्निक, यहाँ पर कैपेसिटर 0.5 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो -j 0.1 ओम आ गया। अब ये करंट सोर्स को भी हमने कन्वर्ट करना है फेजर में, तो इसको अब ये कोसाइन फॉर्म में है, तो गेन अगर आपको याद हो फेजर जो आपने पढ़ा है कि अगर कोसाइन फॉर्म में हो तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड और एंगल लिख लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड 5 हो गया और एंगल 10 डिग्री, ये हमारा फेजर फॉर्म में आ गया। अब इस सर्किट को अगर हम फेजर में लिखें तो इस तरह से हो गया कि सोर्स की जगह पे हमने ये लिख लिया, रेजिस्टेंस उसी तरह रहा, इंडक्टर की जगह पे हमने ये वैल्यू डाल दिया और सॉरी कैपेसिटर की जगह पे और इंडक्टर की जगह पे जो 40 लिख लिया। अब इस वोल्टेज को हमने मालूम करना है, तो ये सर्किट देखिए बड़ मज़ेदार है। ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो करंट आपको पता है करंट फ्लोज थ्रू द ईजिएस्ट पाथ। अब यहाँ से करंट जाके यहाँ से आगे जाके इसको सबसे इजी पाथ ये नज़र आ रहा है कि उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो द टोटल करंट विल फ्लो थ्रू दिस, इन दोनों में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अब जब इसमें करंट फ्लो ना करे तो वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी ज़ीरो। ये एक लॉजिक है, और भी लॉजिक हो सकता है कि आप कहेंगे तो सारे ही शॉर्ट हो गए, तो इसमें से करंट फ्लो करे तो जब रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। बहरहाल, सिंस ऑल करंट विल फ्लो थ्रू द शॉर्ट सर्किट एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, हेंस कैपेसिटर वोल्टेज वी वन इज जीरो वोल्ट। ये फेजर में हम इसको लिख रहे हैं, फेजर डोमेन में वी वन, तो ये जीरो वोल्ट हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से में। हमने इसको यूज कर लिया, अब हम इसको यूज करेंगे, तो इसको ज़ीरो करने के लिए ओपन करना होता है, करंट सोर्स को ज़ीरो करने के लिए ओपन करना होता है। हमने इसको ओपन कर दिया और फिर इनको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे फेजर डोमेन में। तो ये चूंकि ओमेगा यहाँ पे भी 20 है, तो जो पिछले स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था वही वैल्यू सारे हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सिर्फ इसको हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ एक ट्रिक है थोड़े से, वो आपने जहन में रखना है कि आप ये साइन को हमने कोसाइन में लेके आना है फेजर में जाने के लिए, तो साइन को कोसाइन में जाने का तरीका क्या है,
ये मैं अपने ईएनए के क्लास में मैं स्टूडेंट्स को समझा चुका हूँ कि आप ये अगर इसको जहन में रखें, कॉस टू साइन यानी एस टू एस, एस टू एस के लिए ऐड 90, एस का मतलब सेम, सेम टू सेम के लिए 90 ऐड करते हैं। अब यहाँ पे सेम टू सेम नहीं, हम साइन टू कोसाइन कर रहे हैं, तो हमें -90 करना पड़ेगा। एक और टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये आपको याद रहे ना रहे, तो आप अपना कैलकुलेटर को यूज़ करें। कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, हम साइन 30 ले लेते हैं, फर्स्ट के साइन को कोसाइन में करना है, तो साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। अब ये याद रखिए कि साइन 30 हाफ है, तो कोसाइन की कौन से वैल्यू लेंगे तो इसमें हाफ होगा। अब हम आ जाते हैं जी कोसाइन पे, 30 के साथ या तो आप +90 करेंगे या -90 करेंगे। अब इसमें कन्फ्यूजन है, हम पहले +90 कर लेते, +90 करके हम देखते हैं इसको, तो ये आंसर आ गया -1/2, जबकि हमें +1/2 चाहिए। तो हम इसको वापस चलते हैं और प्लस को डिलीट करके हम माइनस कर देते। अब देखिए हाफ आ गया, यानी साइन 30 के जगह पे आप लिखेंगे cos 30 -90, या साइन थीटा के जगह पे लिखेंगे cos थीटा -90। तो जो आपको आसान लगे उस तरह से आपने इसको करना है। तो हमने यही किया कि ये साइन 20 को साइन लिख लिया 20, और -90 कर लिया। अब चूंकि कोसाइन फॉर्म में है, तो फेजर के लिए सिर्फ हम मैग्नीट्यूड और एंगल ये लिख लेंगे। तो अब इस सर्किट को हम अब फेजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये लिख लिया हमने फेजर में, ये लिख लिया और वोल्टेज सोर्स को लिख लिया। फिर हमें ये वोल्टेज मालूम करना है। अब यहाँ पे भी देखिए कि ये आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए, वही वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए। तब स्ट्रेट अवे फ्रॉम दिस सर्किट हम लिखेंगे कि यहाँ पे V2 होना चाहिए था एक्चुअली, तो V2 इज 10 -90, तो V2 आ गया जी। अब हम दोनों को ऐड करके V0 फेजर में निकाल लिया हमने, तो ये 10 एंगल -90। अब वो कह रहा टाइम डोमेन में वापस जाओ, तो टाइम डोमेन में वही टेक्निक है कि जैसे कोसाइन से हमने ये लिख लिया, तो इससे वापस जाएंगे तो वो कोसाइन में आ जाएगा, यानी V0t विल बी 10 cosine ωt 20t और -90। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।